राज्य में अभी घोड़ों के अंदर ग्लैंडर्स रोग पाया गया है। ग्लैंडर्स रोग एक बैक्टीरिया जनित रोग है और वर्तमान में इस फरवरी माह तक राज्य के 4 जिलों में अलवर, बीकानेर, जयपुर और झुंझुनू में ग्लैंडर्स रोग से पीड़ित घोड़े पाए गए, पर इनकी संख्या अभी तक कुल मिला के 6 ही है। इन 4 जिलों में 6 घोड़े हमें मिले हैं। इस रोग में घोड़े को जो हम हैं टेस्टिंग के बाद उसको मारने की प्रक्रिया इथनाइज जो हम बोलते हैं कि ह्यूमन तरीके से उसको हम मारते हैं और उसके बाद पूरे घोड़े के शरीर को हम साइंटिफिक तरीके से या बायोसिक्योरिटी मेजर्स अपनाते हुए डिस्पोज ऑफ करते हैं खड्डा खोद के। जब इसको मारा जाता है तो सरकार की तरफ से कलेक्टर साहब के उसमें निर्देश में कमेटी बनती है और इन घोड़ों को केंद्र सरकार के उस पर कंपनसेशन देने का प्रावधान है। 25,000 प्रति घोड़ा कंपनसेशन घोड़ा मालिक को दिया जाता है। अब इसकी रोकथाम के लिए सबसे बड़ा है कि जिस क्षेत्र में ये घोड़ा, जिस गांव में ये घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है उसके 5 किलोमीटर की रेडियस को हम लोग संक्रमित क्षेत्र घोषित करते हैं और वहां हर तरह के मूवमेंट को हम रोक देते हैं और अगले 3 माह में उस क्षेत्र के सभी घोड़ों का हम लोग टेस्ट करवाते हैं इस रोग के प्रति। और अभी तक जो हमारी राजस्थान में स्थिति है, इन 4 जिलों में हम वहाँ के बाकी सारे घोड़ों का टेस्ट करवा चुके हैं और वो नेगेटिव आए हैं। तो ये 5 किलोमीटर तक की स्थिति है। 5 से आगे 25 किलोमीटर तक जो 20 किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें हम 3 माह में स्क्रीनिंग कराते हैं घोड़ों की, टेस्टिंग की, और जितनी पॉपुलेशन वहाँ अवेलेबल है उसका 25% ही हम लोग टेस्ट करवाते हैं और वो भी अभी इन 4 जिलों से नेगेटिव ही आए हैं। हम लोग करीब 900 से ज़्यादा सैंपल हम लोग टेस्ट करवा चुके हैं घोड़ों के उन क्षेत्रों में और इन क्षेत्रों को नोटिफाई एरिया घोषित किया जाता है जिसमें हर तरह का घोड़े का मूवमेंट हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो घोड़ा मालिक हैं, जैसे कुछ क्लब्स हैं या कुछ ब्रीडिंग फॉर्म्स हैं, उनको स्पेशल निर्देश दिए जाते हैं कि वो कोई भी मेला, प्रदर्शनी या इस तरह का आयोजन नहीं करेंगे जहाँ बाकी क्षेत्रों से घोड़ों को लाया जाता हो। तो इस तरह से ये है। और घोड़ा मालिकों को विशेष रूप से हम लोग कहते हैं कि जैसे कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बायोसिक्योरिटी मेजर्स ह्यूमन बीइंग के लिए अप्लाई किए थे, वही सारे पैरामीटर्स बायोसेफ्टी मेजर्स जो है डिसइंफेक्शन के और प्रॉपर हाइजीन अपनाते हुए उनके सारे बेडिंग मटेरियल